श्रीमद वाल्मीकि रामायणम बालकांडम चतुर्दशः सर्गः दशरथस्य हयमेधस्य वर्णनम् ऋष्य श्रृंगा चतुस्सुत भवनम वर प्राप्ति वर प्राप्ति पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ऋष्य श्रृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्र चक्रुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधेय महायज्ञे राज्ञोस्य सुमहात्मनः कर्मकुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः यथा विधीयता न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्घ्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोतसदम् द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रुर्यथाविधि प्रातः स्व सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः अइन्द्रस्य राजा छभिषुतोनद नगः मामध्यदिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमं तृतीय सवने चैव राज्ञोस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुङ्गवः आह्वया चक्रिरे तत्र चक्रादीन विबुोतमाश्यशृंग मंत्रिक्षाक्षरसम गीति गीतिमुर स्त्रीग स्त्रिग्ध मंत्रनताहत होतारो दुरावाह्य हविभागा दिवैकसा दिवै दिवक होता दुरागाकुतम्रूतत्र स्खलिचन दृश्य से ब्रमवत्सर्व ब्रह्मवत्व क्षेमयुक्त हि चक्रिरे दृश्यते ब्रह्मवत्व क्षेमयुक्त हि चक्रिरे न तेष्वः सुश्रान्तो वा उदितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्रह्म ब्राह्मणः कश्चिन्नाशता नु ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते वृद्धाश्य व्यातिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनीशं बुञ्जमानानां नतृप्ति रूपलभ्यते दीयतां दीयमा दीयतामन्नं वासां सिविविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा च क्रूरने कशः अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषा स्त्री गणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत् प्रशंसन्ति द्विजर्ष वृषभा अहो तृप्ता इति शुश्राव राघव स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च चता, उपासन्ते च सुमृष्टमणिकुण्डलाः कर्मान्तरे तदा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुस्तुवाग्मिमनु सु, सुवाग्मिनो धीरा परस्पर दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः नाषडंग विद विदत्रासीन नाव्रतो ना, ना बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावाधकुशलो विजह प्राप्ते युपोच्छये तस्मिन् षडं षडभल षडबैल तथा तावन्तो भिल्वसंहिता पर्णिनश्य तथा परे श्लेष्मातकमयो द्विश अदिष्टो देवदारु मयस्तथा

उक्ता विधिवत सर्वे शिल्पी सुकृता दृढ़ा अष्टास्त्रये श्लक्षण रूप समन्विता अच्छादितास्ते वासो पुष्य गंध सप्तर्षयो दीप्तिम्त विराजते यथा दिवी इष्टकाश यथा कारिताश्व प्रणा प्रमाणतः चितोग्नि ब्राह्मणैस्तत्र कुशले शिल्पकर्मणि सचित्यो राजसिंहस्य सांचितः कुशले द्विजैः रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोष्ठादशात्मकः नियुक्त पशवृश दृ तदुदिश्य दावत उरगा पक्षिण्वस्त्र प्रचोदीता शित्रे हयस्त शामित्रेतु तो हय तथा जलचराश्रिए शामित्रेतु हयस्तत्र तथा जलचराश्रिए ऋषिभिः सर्वमेवैतान् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपा नैविशशासैनं त्रिभिः परमयासुधा पतत्रिना तदा सुस्थितेन च चेतसा अवसत् रजनी में काम कौसल्या धर्म काम्य होता ध्वर्युस्तथो गाता, गाता हयेन समयोजयन महिष्या परिवृत्याथ वावाताम परां तथा पतत्रिनस्तस्य वपा वपाम उद्ध, उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परम सं, संपन्न श्वापायामस शास्त्रतः ग्रुमगंधम व्यापायाः तु जिग्रतिस मनराधिपः यथा कालम् यथा न्यायम् निर्नुदन पापमात्मा महात्मनः हैस्य यानि चंगा नीता निसर्वानि ब्राह्मणाः अग्नो प्रास्यन्ति विधिव समस्तशो षोडश षोडशामwidetildeह शा, प्लक्ष प्लक्षशाकासु यज्ञानामन्येषां क्रियतेह विहि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो बागायष्यते त्रयोश्वमेद संख्यात कल्पसूत्रेण ब्राह्मणेहि चतुष्टो मम महस्त महस्तस्य प्रथमं परिकल्पितं उख्यं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहुवो विहिता शास्त्रदर्शनात् ज्योतिषामायुशी चैव मतिरात्रौच निर्मितौ अभिजीत विश्वम जित्वय विश्वजित् चैव माप्तो या महाक्रतुः महाकृतुः प्राचीं होत्रे तदौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्य अद्वर्ये वे प्रतिचीं छतु ब्रह्मने दक्षिणाम् दिशं उद्गात्रेतु उद्गा तथो दीचिं दक्षिनेष दक्षिणैशा विनि विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं भूविहिते पुरा क्रतुं समाप्यतु तदा ज्ञायतः पुरुषभः ऋद्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूत् श्रीमान् इक्ष्वाकुनन्दनः ऋद्विज स्वभ्रवन् सर्वे राजानं गतकिलबिषं भवानेव महीम कृत्स्नामी को रक्षितु मर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं नहि शक्तास्न पालने रता स्वाध्याय करने वयम् नित्यं भूमिप निष्क्रयं किञ्चि देवेह प्रयच्छतु भवानीति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वासमुद्यतम् तत्प्र प्रयच नृप्रेष्ठ धर जान नरपति नरपति ब्राह्मण वेदपारगै गशतसहस्राणी दशतेभ्यो दौ नृप दशकोटिवर्ण से रजत से चुर्गुनमजस्तु ऋत्जस्तु तत प्रदत वसु ऋष्यशृा मुनए वसिष्ठा धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं विजोतम ीतमनसर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशं ततः सुसमाहितः जाम्बूवन् जाम्बूनतं कोटिसंज्ञं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायात हस्ताभरणयुमुत्तमम् कस्मैचित्

तिशोत विविधा ब्राह्मण सुदा उदार नृवीर धरण्यां पति प्रीतमाराजा प्राप्य यज्ञमुतम पापा हम स्वर्णयनम दुस्तर पार्थिवर्षभ तथो ब्रवीदृश्यशृषृंगं श्रुं, राजा दशरथस्थदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुर्म कर्तुर्महसि सुव्रत तथेति च स राजानं मुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्तो कुलोद्वहाः सतस्य वाक्यम मधुर निशम्य प्रणम्य तस्म प्रयत नृप नृपेन्द्र जगा महर्षं महात्मा तम ऋष्य पुनरप्युवाच इशे श्रीमद् रमीक वाल्मीकिये आदिकाव्ये बा चतुर्दश